Hey guys, welcome back to my channel. कैसे हो आप सब? I hope सब ठीक होंगे. मैं हूँ पार्क में और आज मैं किसके साथ आई हूँ? ये देखो आज मेरा अरे वाह, आज मेरा कंपेनियन कौन है? गुन्नू. गुन्नू कहाँ आए हो आप? पार्क में. दीदी को कुछ काम था इसलिए दीदी नहीं आई. आज मैं अकेले आई हूँ, अकेले नहीं, गुन्नू के साथ आई हूँ. और आज का वेदर इतना अच्छा है. आज बारिश हुई थी और बहुत देर बारिश हुई थी. बहुत अच्छे से बारिश हुई थी आज, बहुत अच्छे से. इसके अंदर चलना है ओके. इसलिए मैंने सोचा आज गुन्नू को लेकर चलती हूँ बड़े वाले पार्क में. इसको मैं एक बार और लेकर आई थी इसलिए आज मैं दोबारा लेकर आई हूँ इसे. कितने सारे पेड़ लगे हैं आपको? अच्छा ये तो बोलो, हेलो गाइस मैं पार्क में आया हूँ. अच्छा इसमें बोल तो दो. हेलो गाइस मैं पार्क में आया हूँ. हाँ कैसा पार्क लग रहा है तो बताओ. कोई भी नहीं है तो बहुत अच्छा लग रहा है आज पार्क में आके. आज भीड़ भी नहीं है यहाँ पे क्योंकि गीली गीली घास हो रखी है, तो इसलिए यहाँ पे आज भीड़ भी नहीं है. देखो एक दो लोग ही बैठे हैं बस. ये मज़ा आएगा थोड़ा सा घूमने में. आज बहुत बारिश हुई थी गुन्नू. हाँ आप नहाए थे बारिश में? झूठे, कब नहाए थे? अरे इसको टच नहीं करना. आओ इधर आओ, इधर आओ. कोई कीड़ा काट लेगा फिर. इवनिंग वाले शिफ्ट की छुट्टी होती है, बच्चे तो पार्क में घूमकर तब जाते अपने घर फ्रेश माइंड करके. एक वहाँ पे घूम रहा है, एक यहाँ घूम रहा है, एक ये मेरा बुग्गा घूम रहा है. बुग्गा उतरो. फोटो खींच दो आपकी, दूर खड़े हो वहाँ जाके. आज पानी भरा हुआ है देखो वहाँ पे. आज पार्क में पानी भरा हुआ है. क्यों भरा है ये? अरे ये वाला प्लांट तो हमारे घर भी लगा है. देखो छोटे छोटे फ्लावर, ये रहे जैस्मीन फ्लावर. इन बच्चों को देखो, ये सारे प्लांट को ट्रीज को हिला रहे हैं, इसमें पानी निकल रहा है. ये ऐसी हिलाओ ना पानी. जितना था तूने तो बहा दिया उसे. हैं देखो तू देख, बारिश शुरू. चले घर चले? नहीं क्यों? ये स्कूल की छुट्टी हो रही है और बारिश भयंकर आ चुकी है. हम भीग जाएंगे गुन्ना. भीड़, छुट्टी हो रही स्कूल की. बच्चे भाग भाग के जा रहे हैं. इसको पार्क में नहीं जाना. पार्क में नहीं जाना ना? पार्क में नहीं जाना या घर नहीं जाना? पार्क में जाना. पार्क में जाना. मुझे पार्क में नहीं जाना. जाना. अरे यार अम्ब्रेला तो ले ले. अम्ब्रेला? हाँ वरना हम भीग जाएंगे. नहीं. ले ले. नहीं. अम्ब्रेला ले लेते हैं ना, फिर हम सब भीग जाएंगे. मैं गुन्नू को ले आई और मैंने चेंज भी कर लिया. भयंकर थक गई मैं तो. इसको गोद में लेके मेरे से चला ही नहीं जाता है. वो सारे बाल गीले हो गए.
अब वो अपने डैडी के साथ, अब वो रोने लग गया कि पार्क में जाना है, पार्क में जाना है। ये देखो हमारे कपड़े कहाँ सूख रहे हैं, जब पर्दा लगाते हैं वहाँ आप कपड़े सुखा दिए मैंने। हाँ हाँ, ये देखो देखो यहाँ आके चुप हुआ ये, वरना ये रोए जा रहा था। भैया कहाँ है? आवाज लगा रहा, देखना कैसे बुलाया। बुलाइयो, बुलाना भैया को, बुलाना भैया को, बुलाइयो। आवाज लगा, मम्मा सुन ले, लगा, चलो आवाज लगाओ। ए बीजू, अरे भैया तो वहाँ बैठा है। मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए, सारी चिमटियाँ देखो यहाँ नीचे गिरा रहा है। व्यू भी भीग रहा है, मत कर ये सारी नीचे, इस पे मना किया ना, इस पे ऐसे ही गिरी थी, मैं भी ऐसे ही गिरी थी, फ्लोर पे रहना बस। मैं भी ऐसे ही गिर गई थी गुनू, जब मैं आपके बराबर थी ना, मैं भी गिर गई थी। और उसकी देखो पेट ही पेट निकल वो अंदर कर लिया, ये देखो पेट ही पेट निकल रहा है, पता नहीं क्या क्या अंदर सारा खाया। तेज हो रहा है पर अंदर कर रहे हैं, छाती चौड़ी हो जा रही, करना करना। करना 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 दोबारा करना। डैडी बॉडी दिखा रहे हैं, दिखाना। ओहो ओहो, ये नॉर्मल है, ये देखो तोंद निकल रही है, साइड से ही तो दिखता है। स्कूल में आते मेरा तो है भी नहीं, सब टीचर जो होते हैं सब के कई हो गए तो बार बार निकले, मेरा तो भी सही है। ये सही है, खड़ूस पतले इंसान कर रहा है इनका। इतनी सारी नीचे गिरा दी तूने गुन्नू, वहाँ भी पड़ी थी उधर गेट के, वहाँ एक हमारी थी। कौन सी? ऐसी हाँ हमारी पड़ी होंगी ना, नीचे फेंक देता है ना ये गुस्से में, तो खेलते हैं बच्चे ले जाते हैं। पाँच पड़ी होंगी यहाँ पे, पाँच नहीं है सात है, चीज दवाई भी गिरा दी है, मैं आपके लिए लाया था, सात है, पेंट में से गिर गई। वो देखो भीग रहा है, भीग बाहर है, गिरा व्यू देखो, भीग रहा है, देखा अब मैं योग कर दूंगा व्यू। अब इस वाले फ्लैट की हालत ऐसी हो रही है, खंडर पता नहीं कितनी सदियों पुराना, कब गिर जाए कुछ पता नहीं है, पर गिरेगा नहीं है ना, पर ऐसा और यूं नहीं है, रह रहे हैं तो थोड़ा ढंग का करा लें, और उन्होंने भी तो ढंग के करा रखे हैं ना खड़ूस। इनका देखना पाइप टूटा हुआ लगा हुआ। अब बुला लें गुन्नू भैया को, कितनी देर हो गई यहाँ खड़े खड़े। सारी इकट्ठी कर लो एक जगह। गिर रही है, चल देख, गिरी तो टैबलेट भी गिरेगी। मेरे मुंह पे ही मत लगा देना इसे। ले ली भी हूँ, ठीक है गाइस। रोज शाम का यही झंझट रहता है कि खाने में क्या बनाए क्या बनाए, रोज का ही टेंशन है। हाँ योग योग योग, सारे गीले कपड़े हमारे स्टडी टेबल पे पड़े हैं, दिखाओ। अभी मैं बनाऊंगी इडली और सांबर। एक्सरसाइज कर रहे हैं अभी, मेरे को देख के शांत हो गए हैं। सन्नाटे में आ गए मेरे को देख के, जैसे ही मैंने फोन ऑन किया। मैं आपको परसों का इंसिडेंट बताती हूँ। परसों हम लोग पार्क में घूम रहे थे, मैं और दीदी, तो बातों बातों में ना दीदी और मैं उसकी सुष्मिता सेन की और चारू असोपा की हम लोग बातें करते रहे। फिर अचानक से ना नीरज मालविया जो मेरे अंगने में आता था चारू के साथ, तो मैं उसकी बातें करने लगी। फिर मैंने बताया मुझे इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत, मतलब ये दोनों बहुत अच्छे लगते हैं एक साथ, अच्छे लगते थे एक साथ। तो दीदी ने बोला ये तो मेरा भाई है, ये मेरी बुआ का बेटा है। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि उनकी बुआ का बेटा है। फिर दीदी ने मतलब फेसबुक पर दिखाया, अपने व्हाट्सएप पर दिखाया। फिर दीदी ने बोला ये ऑनलाइन भी दिख रहा है, चलो इसको फ़ोन लगाती। तो फ़ोन लगाया दीदी ने, फिर उनसे बात की, फिर मेरी भी बात कराई उन्होंने। मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी खुशी हुई ना मुझे कि मैंने मतलब मेरा जो फेवरेट है मैंने उससे बात कर ली। मुझे उसका क्यूट सा फेस ना बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा। और चारू के साथ तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो चारू के साथ बहुत अच्छा लगता था। हमेशा चाहती थी ना उन दोनों की शादी हो जाए। जब भी मैं नीरज मालविया को देखती हूँ ना, तो मुझे बड़ा हर्ट सा होता है अंदर से कि काश यार इन दोनों की शादी हुई होती दोनों। मतलब बहुत सारी बातें दीदी ने बताई, बहुत सारी बातें हमने की उस दिन, सिर्फ उसी के बारे में बातें करते रहे। मुझे ना जो मूवीज़ में हीरो हीरोइन आते हैं ना, मुझे इतना क्रेज़ उनका नहीं है जितना टीवी में जो सीरियल्स में लोग आते हैं ना, टीवी सीरियल के जो लोग जो होते हैं ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। इतनी खुशी हुई पूरे दिन, मतलब मैं जब पार्क से आई ना तो मैं वही सोचती रही पूरे
पूरे रास्ते में वही सोचती रही। घर आई तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मैंने ना नीरज मालविया से बात की, तो वो बोले ये कौन है, तो फिर मैंने फोटो वोटो दिखाई, मैं स्टेटस लगाया और इंस्टा पर भी उनको टैग किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी, मुझे ऐसा लग रहा था ना जैसे मैं उनसे मिल ली, बात करने से ऐसी सी फीलिंग आ रही थी जैसे मैं मिल ली उनसे। मेरा एक ड्रीम है कि मैं मुंबई में जाऊँ कभी, और जो जो मेरे फेवरेट है ना उनमें से गिने चुने लोगों से तो मैं मिलकर आऊँ एटलीस्ट, बट पता नहीं ये हो पाएगा या नहीं। और अगर मैं गई भी तो पता नहीं मिल भी पाऊँगी या नहीं, क्योंकि इतना ईजी नहीं होता किसी से भी मिलना। सबा एक यूट्यूबर है, वो बहुत प्यारी लगती है, बहुत प्यारी, तो मुझे मतलब मेरा ड्रीम है कि मैं उससे मिल पाऊँ और होप कि मैं उससे कभी मिल पाऊँगी। आपकी इंसल्ट हो रही है। वाओ कितना सुंदर बनाया है, देख लो कितना सुंदर बना रहा है, देखो। अरे आता यार कौन लूं तुझे तो क्लैपे। और दिखाओ तो डैडी को बना के, तो दिखाओ लाइन पे खींचो भी। लड्डू किस खुशी में आ रहे हैं पहले ये तो बता दो। हाँ तोंद तोंद निकल रही है बनियान में, लगती है वो नहीं आपकी, लगती है ही है। देखो देखो डैडी का टम्मी निकल रहा है कि नहीं, टम्मी ना यहाँ से मैच हो रही है, ये तो टम्मी चेस्ट और पेट दोनों बराबर थोड़ी होते हैं, बराबर है। नहीं फिर तो वो तोंद हो गई, तोंद वो रहती है जो यहाँ से पार होते हैं। पता है इस टाइम मतलब 7 या 7:30 जैसे ही बजते हैं ना, गुन्नू हमेशा अपना अपनी नोटबुक लेकर बैठ जाता है और अच्छे से अपना होमवर्क कर लेता है, जो इसे आता है वही बनाएगा बस, बाकी कुछ और नहीं बनाएगा, पर अच्छे से लेके बैठ जाता है। मेरे लोग बहुत अच्छी चीज़ डेली ऐसे बैठ जाएगा, ऐसे फोल्ड करके इसको सिंसियर तरीके से, और गधे को बार बार बोलना। अभी भी देखो पढ़ाई नहीं कर रहा है, हिंदी का एग्ज़ाम है, हिंदी रह गया नहीं हूँ इसको, देखो पढ़ाई के लिए बोल दिया ना, तो अभी इसे भूख लग रही है। ये जो तेरे नाटक है ना, ये तेरे नाटक है ना ज़्यादा, इसके टीचर से जाके ना इसकी पिटाई लगवाएंगे। बाबू नहीं, भैया है ना, बड़े भैया है ना, सॉरी बोल दो। मेरे क्लास टीचर का नाम ये देखो, मेरे क्लास टीचर का नाम ये रहा, मानसी लिखा है, मानसी होता है मां। अच्छा इसमें डैडी कहाँ, अच्छा गुन्नू बताएगा भी। अरे वाह ये रे डैडी, और मानसी मैम किधर है? मानसी मैम इसमें नहीं है, ये मानसी मैम इनके ऊपर, इनके ऊपर इनके पीछे बोल रहा है, इनके ऊपर ये मेरी क्लास टीचर है, ये मेरी क्लास टीचर है नहीं, ये मेरी क्लास टीचर है, ये तो बोल रहा हूँ। मात्रा तो गायब हो जाती है, निकलता है होता है, ये मेरी क्लास टीचर है, शी इज माई क्लास टीचर। गले लगा लेते देखो इसको ओपन क्या चाहिए, ये लो लो। सो गाइस हमारे घर में मीठा खाने के लिए किसी भी फेस्टिवल या खुशी का वेट नहीं किया जाता है, किसी भी टाइम ले आते हैं, मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है मीठा खाने का इसलिए। और यहाँ पर मैं मूंगफली को और लहसुन को फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बनानी है लहसुन की सॉरी मूंगफली की चटनी, क्योंकि मैंने बनाई है आज इडली और सांभर, क्योंकि आज बहुत मन कर रहा था इडली खाने का। सो ये रही मेरी इडली, और थोड़ी सी इडलियाँ और बाकी थी वो भी बन रही थी, और ये रही हमारी मूंगफली की चटनी जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी। और किस किस को अच्छी लगती है मूंगफली की चटनी, और ये हमारा सांभर। ये देखो पढ़ाई के नाम पे ये अपना फेवरेट सीरियल देखा जा रहा है। हाँ जरूर, क्या ओह सदियों पुरानी बात कर रहे हो, ये फेवरेट है इनका, वो चैनल भी हटवा रख खड़ूस, चैनल भी हटवा रखा है आपने। मैं तो खाना बना रही हूँ, आप देख रहे हो। ओहो झूठे, ये झूठ बोल रहे सरासर, ये इनका फेवरेट है लक्ष्मी, और ये इनकी लव स्टोरी, इनकी फेवरेट है ये।
ये देख लो, ये सच्चा है, जिस बात पे हंस जाए ना मतलब ये सच है, और जब मुंह बन जाए ना इनका वो झूठ है। तो अभी नकली वाला मुंह बनाने की कोशिश करेंगे और जो बना नहीं पाएंगे ये। अरे अरे देखो चाकू लगा दिया उसके, ये देखा। ये इनका फेवरेट सीरियल है। हम लोगों ने कर लिया है डिनर, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपने मेरे ब्लॉग को थोड़ा सा भी इंजॉय किया हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके और आप मेरे वीडियोज़ को इंजॉय कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।